जबरदस्त होने वाली है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की कहानी। दमदार रोल के साथ स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं रानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी अपकमिंग फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के साथ बिग स्क्रीन पर दस्तक देने वाली हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जो ऑडियंस को काफी पसंद आया है। ट्रेलर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी की शानदार परफॉर्मेंस नजर आने वाली है। इसी बीच मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की रिलीज से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसे करण जौहर ने होस्ट किया। इस इवेंट में फिल्म मेकर निखिल आडवाणी, रानी मुखर्जी और मिसेस चटर्जी यानी सागरिका भट्टाचार्य भी मौजूद रहीं। इस बातचीत के दौरान करण जौहर ने फिल्म की कहानी से जुड़े कई इंपॉर्टेंट सवाल किए जिनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि रानी मुखर्जी पिछले कई सालों से ज्यादातर अपने हस्बैंड आदित्य चोपड़ा की फिल्मों में ही नजर आती हैं। फिलहाल मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को निखिल आडवाणी ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म से रानी कैसे जुड़ी, चलिए खुद उनसे ही जान लेते हैं। मैंने गूगल करना शुरू कर दिया एंड आई वेंट टू द रियल स्टोरी एंड जब मैंने पूरा पढ़ा आई वॉज रियली स्टम्प्ड और मुझे लगा कि ये फिल्म में किस तरह से स्क्रीन प्ले में बन के आएगा, क्योंकि कभी कभी कहानी अच्छी होती है लेकिन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में एक फिल्म में शायद निखर के नहीं आती एक स्टोरी। तो मुझे जानना था कि स्क्रिप्ट कैसी होगी, तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा मुझे स्क्रिप्ट भी अच्छा लग गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं निखिल को ज़रा सा तोल मोल के देखती हूँ कि वो कितना मुझे चाहता है फिल्म के लिए। तो मैंने निखिल को बोला कि निखिल देखो, मेरे साथ काम करना आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि अभी मैं एक माँ हूँ और मैं दूसरे एक्टरों की तरह ज़्यादा घंटे नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी बच्ची है। तो आप एज ए प्रोड्यूसर आप शायद वो मतलब झेल नहीं पाएंगे जो मेरे खुद के पति झेलते हैं। तो निखिल ने बोला नहीं नहीं, जो तुम्हारा टाइम है हम उसी टाइम पे काम करेंगे। ऐसा अच्छा, निखिल तो हर चीज़ पे हाँ हाँ बोले जा रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं दे रहा है कि मैं ना बोल सकूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे मेरे पति की तरह प्यार दे पाओगे? तो निखिल ने बोला मैं तो कुछ कुछ होता है के टाइम से प्यार करता हूँ। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में एक माँ यानी सागरिका की कहानी दिखाई जाएगी। इस कैरेक्टर को रानी मुखर्जी ने प्ले किया है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि रानी फिल्म की शूटिंग से पहले सागरिका से कभी नहीं मिली। So I have not yet met Sagarika. Huh? Yeah. What? I have not yet met Sagarika. You've never met Sagarika? No, I have never met Sagarika. This is a shock to me, literally. Yeah, so I've never and met never Sagarika. Spoken to her? No, I've not spoken you've to her. You've not spoken well. To her, you've not met her? No. Because I think as an actor, what I wanted to bring to the table is something that I thought would be my interpretation of Mrs. Chatterjee's character. I didn't want too much of a baggage because she's very much there. So I didn't want people to find similarities or, you know, say that this is similar, that is similar. For me, the story of Mrs. Chatterjee was about Mrs. Chatterjee, and I had to play it not knowing that this has actually happened. I had to play it cinematically for this film. इस फिल्म के टाइटल से ही साफ हो जाता है कि ये मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की लड़ाई है। दरअसल नॉर्वे के सख्त कानून की वजह से मिसेस चटर्जी से उनकी ही बच्चे छीन लिए जाते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है, तो चलिए इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा फिल्म मेकर निखिल आडवाणी से जान लेते हैं। करण, वी अज्यूम दैट नॉर्वे विल नॉट वांट अस टू शूट इन दिस फिल्म ओवर देयर। So it was lockdown, it was pandemic, the pandemic was just getting over, lockdown was just getting over. We were supposed to shoot in March, it kept moving on till August, I remember, and we finally went and shot it in Estonia. When we were going to shoot in Estonia, everything is set, we got a letter from the Norwegian High Commission saying that that was the first communication that came, saying that, you know, Norway Mrs. Chatterjee, Mrs. Chatterjee versus Norway, we are going to Estonia to shoot Rani Mukherjee's first film outside Yashraj. That usual kind of a press note came out, and the Norwegian High Commission calls us up and says that why are you not shooting in Norway? Wow, right? Because we are completely we have freedom of expression. My second
and you should come my over. My second shock moment of this interview, one is you've never met Sagrika, and one is that Norway themselves has reached out where the title very clearly, explicitly exactly. says yeah, Mrs. Yeah. Chatterjee versus Norway. Mrs. Chatterjee versus Norway में पश्चिम बंगाल की रहने वाली सागरिका भट्टाचार्य की कहानी दिखाई गई है। इस इवेंट के दौरान सागरिका खुद मौजूद रही, उन्होंने फिल्म पर अपनी भावनाएं भी साझा की हैं। एक्चुअली जब मेरे बच्चे को उधर से उठा ले गई थी, जो रिएक्शन रानी मैम ने दिखाया वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है, और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया, और फिल्म में जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज पोर्ट्रेटिंग माय कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं उसके अंदर में घुस गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही हूँ। आशिमा चिब्बर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म नॉर्वेजियन फोस्टर केयर सिस्टम के खिलाफ अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक एनआरआई भारतीय महिला की लड़ाई की कहानी बताती है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा जिम सरब, नीना गुप्ता और अनिबारन भट्टाचार्य लीड रोल में हैं। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी के जन्मदिन के मौके पर 17 मार्च को रिलीज होगी। मुंबई से नवीन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।